गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, चैप्टर 5, क्लास 4, इंग्लिश फर्स्ट। एट फर्स्ट डिफिनीशन, व्हाट आर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस? डिफिनीशन, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूजेज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, सोरो, पेन इटीसी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो है आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, सोरो इत्यादि का प्रयोग होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे मन में आए अचानक से भावों को, सडन फीलिंग को प्रकट करता, ठीक है। अर्थात हमारे मन में कोई भी आया अचानक सा भाव, जैसे वाह क्या चीज है, या वाह क्या मूवी है, इस तरह से जो सेंटेंसेस आते हैं उसके भावों को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण के लिए, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ सरप्राइज। याद रखे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विल ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क। एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ समाप्त होता है। हम उसके अंत में फुल स्टॉप न लगाकर एक एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। पहला है, समटाइम्स दे आर मेड ऑफ जस्ट वन वर्ड। अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो वन वर्ड का भी हो सकता है, जैसे हेल्प, आउच, वाओ। दूसरा है, समटाइम्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। कभी कभी जो है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकता है, जैसे व्हाट अ लवली सनसेट, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ ब्यूटीफुल यू लुक। दूसरा देखें, सम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज ऑल्सो लुक लाइक क्वेश्चन। अर्थात कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज जो है वो क्वेश्चन की तरह दिखते हैं, वेन फॉर्म्ड विथ सर्टेन वर्ब्स, जब इसे किसी खास भर्व के द्वारा, खास भर्व के द्वारा बनाया जाता है, जैसे वाजंट इट फैबुलस, व्हाट अ मूवी, व्हाट अ ब्यूटी इत्यादि। तो याद रखें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो हमारे मन में आए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से भाव, जैसे कि हैप्पीनेस, दुख, गुस्सा, सरप्राइज, आश्चर्य इत्यादि को व्यक्त करता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा ही एक्सक्लामेशन मार्क के साथ समाप्त होता है, उसके अंत में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।